तो मार्ग सत्य और जीवन है, तो अपनी शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, सत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर को बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू भला गडेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तो अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षा रखने में मदद कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुत्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यता पूर्वक स्वीकार करें, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपने चुने के भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप अपराधों में अपने कृपा सागर में दौड़ डालने की दया करे। हे प्रभु तू अपने उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। मेरी शरण अगाध प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण अगाध प्रभु परमेश्वर
विनती करी शांति विराजे सब जन कहिए आमेन आमेन इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते विजयी भक्तों शहीदों के शक्तिमान प्रभु साथ हमारे राज विराज साथ हमारे प्रभु परमेश्वर साथ हमारे याकूब का ईश सहारा छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का करता है एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है वह सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है बनाया हुआ नहीं वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और बंसी पर चढ़ाया गया मर गया और दफनाया गया धर्म के अनुसार तीसरे दिन से उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं आमीन सबका प्रभु ईश्वर अपना स्वीकार करने के लिए आपको योग्य बना दे हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे अपने मृत प्राति श्रेष्ठ महाधर्माधीक्षों तथा धर्माधीशों याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करें हे प्रभु हमें आशीर्वाद है भाई और बहनों हमारे लिए प्रार्थना की जगह बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया हमें ऐसी शक्ति है कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों की साधक बने
हम तुझे वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांत अभिवादन करें। पवित्र और पश्चाताप हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दे और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रितकाराधि नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टि होंगी वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत उसके निवासियों को रचा और नश्यम मानवों पर अवर्णी ने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नियों पवन डूबे स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पौत्र गरुविंद दा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर Thank you.
ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी उपासना करते हैं। वह तेरे सदृश है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास के रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य में प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर के पूछ पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा तदा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं श्री वचन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे सृजन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मान सफा अपनाया, तूने हम बदन उद्धार किया, हम मृदों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया, तूने हमारे मुक्ति को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया, हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञ और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संभू जय पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप राफेल तटिल के लिए, हमारे धर्माधीश हमारे फ्रेम के लिए, पवित्र और सावित कलीसिया के लिए, याचकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा बाद सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र दलित रोगी और पीड़ित सफों के लिए, तेरे नाम हमसे विदा लेकर सदा समर्थकों के लिए, तेरे कृपा की प्रतिष्ठा करने वाले भक्तों के लिए, हमारे लिए भी जो दुर्बल अयोग्य हुए, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर
तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईसु माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भुआस एवं जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदाय सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माधीक्षों याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सावती कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेव अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुद्धान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्व मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बिली पर विराजे और इसे अनुग्रहित करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हम अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुद्धान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे परिजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को स्तुति वंदना आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यदि भी हम अयोग्य है, यदि भी सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतरकर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाला मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तेरी जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवन दायक रोटी प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते वे सब मुझ में छः।
जीत कर दे इस पावन पल में। हमारे प्रभु ईसा मसीह कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलंक से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है शक्ति तेरी है और प्रभु तेरा है आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है एकमात्र पिता पवित्र है एकमात्र पुत्र पवित्र है एकमात्र आत्मा पवित्र है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नव जीवन दिया तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे जीव सशक्त है। हमारे जीवन दादा प्रभु साम से कृपा दान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। समस्त लोगों आइए प्रभु के मरण और पुनरुत्थान के इन महान रहस्यों को प्रत्याशा पूर्वक ग्रहण करें।
कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के वर्णनीय दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे।
हे प्रभु तूने अपने कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋणमोचन के लिए ये महिमा में पवित्र जीवनताय और दिव्य से हमें प्रदान किए है। इस दान के लिए तेरे परम धन्य त्रित को स्तुति आराधना और निरंतर धन्य अर्पण करना हमारे कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हम मानवों की आशा के चिराधा तूने अपने इन महिमामय पवित्र जीवन दय और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परंतु की हृदय सदा ही धन्य है। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु येशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयनेश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुखये मार्ग सही प्रभु येशु ने बुलाया हमें स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। जो काताय तन मेरा गुण यही जो पीता है सच्चा जीवन पाएगा उसमें वास करूंगा मैं। अंतिम दिन में चिरावूंगा दंडाज्ञा से बचालूंगा शाश्वत जीवन मैं दूंगा सुन लो यह प्रभु वाणी है।